मैं इस गाड़ी के बारे में पांच ऐसी चीजें बताऊंगा जो मुझे बहुत पसंद है और पांच ऐसी चीजें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। ये कार मस्कुलर है, बहुत ही अच्छी दिखती है, लोग हर कोई इसको पलट के देखता है। पॉइंट नंबर टू, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इज फैबुलस, आपको आप सिटी में कहीं भी चला सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड पॉइंट, ये एक प्रैक्टिकल कार है, आप सिटी में भी चला सकते हैं, यू कैन टेक इट ऑफ रोड एज वेल। फोर्थ पॉइंट, अगर आप साइड से देखें तो ये गाड़ी बिल्कुल भी लंबी नहीं है, सो यू कैन पार्क इट वेरी इजीली। फिफ्थ पॉइंट, इसका जो डीजल इंजन है इट्स प्रीटी पावरफुल, 130 पीएस एंड 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। पांच ऐसी चीजें बताऊंगा जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। फर्स्ट, किसी भी रियर पैसेंजर को उतरने के लिए सामने वाले पैसेंजर को उतारना पड़ता है। सेकंड, इसमें ग्लव बॉक्स नाम की चीज ही नहीं है, ग्लव बॉक्स खोलोगे इतना सा कंपार्टमेंट दिखेगा। मैं थर्ड पॉइंट बताता हूं, तो इसमें सिर्फ 4 सीट का ऑप्शन है, 5 सीट ये कार नहीं है, कंफर्टेबल आप होंगे भी नहीं। फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताऊं तो इसके हेडलैम्प जो है बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, नाइट में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी इसको रिलेटेड। अब फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेता हूँ, इसमें दो ऑप्शन आते हैं, कन्वर्टिबल और हार्ड टॉप। कन्वर्टिबल है, सॉफ्ट टॉप के साथ आता है, बहुत आवाज करता है हाई स्पीड पे, 100 प्लस की स्पीड पे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सेकंड ऑप्शन है हार्ड टॉप, ये हार्ड टॉप आप खोल सकते हो लेकिन इसकी वजह से आपकी वारंटी वाइड हो जाएगी और आपकी लीकेज की प्रॉब्लम की कोई गारंटी नहीं रहेगी। फिर वन मोर नेगेटिव अबाउट दिस कार, के आपको हमेशा उतर के आपकी चाबी से ही खोलना पड़ेगा फ्यूल कैप, अंदर बैठ के आप नहीं खोल सकते।